सो गाइज मैं फाइनली बैठ गया ईगल्स विंग पे. बहुत स्केरी था, अंदर कैमरा नहीं ले सकते थे और मतलब होल्ड भी नहीं कर सकते थे कैमरा, कोई चांस नहीं है. सो बेसिकली वो रोलर कोस्टर था और अंधेरे में चलता था, और अंधेरे में फिर उन्होंने लाइट्स और कुछ डिज़ाइन अंदर से बनाए थे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे. बट जब स्टार्ट हुआ तो पहले उसने हाइट पकड़ी और अंधेरे में कुछ भी दिख नहीं रहा है. फिर जो फर्स्ट ड्रॉप था ना वो सबसे ज़्यादा स्केरी था. उस टाइम मैं सोच रहा हूँ भाई आया ही क्यों, मैं निकल गया था, नहीं रहने ही देना था. बट फिर उसके बाद मज़ा आने लगा, बट काफ़ी स्केरी था. स्टार्टिंग का तो ख़तरनाक था भाई, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई स्टार्टिंग वाले फेज में, बट बच गया मैं. तो अब देख रहा हूँ मैं और क्या क्या यहाँ पे है जो मैं कर सकता हूँ. वाटर के यहाँ पे बहुत है, बट मैं आज वाटर का कुछ भी नहीं करना चाहता. आज नहीं चाहता मैं कपड़े गीले हो जाए. तो और मैंने वाटर स्पोर्ट्स बहुत कर लिया वहाँ पे एक्वाटोपिया में, तो यहाँ पे सारे मैं जो भी ड्राई वाले हैं वही कर रहा हूँ. भाई क्रेजी राइड है यार ये. क्रेजी. ओह मैन, ये तो कुछ स्केट बोर्ड पे यार, और ऊपर से सीट्स इनकी घूम भी रही है, क्या क्रेजी चीज है. Xin chào. सो गाइज अब मसाज करने का टाइम है. यहाँ पे मसाज चेयर्स लगी हुई है, तो वहाँ पे भी किया था हमने, तो वहाँ पे अमेजिंग था. अब यहाँ पे करेंगे. ऊपर से मेरे पास अभी 5 लाख का चेंज ही नहीं था, तो यहाँ पे चेंज डालना पड़ता है. मसाज की मशीन्स होती है, सो मैं दिखाता हूँ आपको. सो ये मसाज की जैसे होते ना, इसमें अब यहाँ पे मशीन लगी होती है. सो ये फुली ऑटोमेटिक है, आपको सिर्फ चेंज नोट इसमें डालना होता है और ये शुरू हो जाती है. और उसमें टाइम ड्यूरेशन दिया होता है, कितने टाइम का चाहिए आपको, उसी हिसाब से आपको अमाउंट पे करना होता है. इसमें यहाँ पे किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बट मेरे पास 5 लाख का चेंज नहीं था और ये चेंज वापस नहीं देता, इसमें आपको एग्जैक्ट वही अमाउंट डालना होता है. तो भाई मैं अभी 20,000 का नोट चाहिए था मेरे को, तो मैं पता नहीं कौन चाइनीज़ लोग थे या जापानीज़ थे, कौन थे, उनसे इशारों में बात कर करके मुझे 10 मिनट लगाए वो चेंज निकलवाने को उनसे. तो मैंने उनको 5 लाख का नोट दिया, तो उन्होंने पहले मेरे को 2 लाख और 1 लाख का दिया. फिर मुझे उनको समझाना पड़ा मेरे को अब उस 1 लाख में भी चेंज चाहिए 20,000 रुपये. और उनको कोई भी इंग्लिश नहीं आती थी, बिल्कुल भी, मतलब एक वर्ड भी उनको सिंगल भी नहीं आता था इंग्लिश का. सो बहुत क्रेजी है यार, यहाँ पर ये सब चीज़ें करना, मैनेज करना पड़ता है यहाँ पर भाई. तो अब मैं लेके आ गया हूँ फाइनली, तो अब मसाज करते हैं. ओहो हो, क्या अमेजिंग मसाज था, फुल बॉडी मसाज हो गया, मज़ा आ गया. क्योंकि यहाँ पे मसाज की भी बहुत ज़रूरत होती है,
क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है ना, तो फुल बॉडी मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रखी हुई है ना, यहाँ पे मसाज चेयर्स रखी है। इसमें आप बहुत चल रहे हो, फिर बीच में मना आया तो आगे मसाज करने के लिए थोड़ा रिलैक्स कर लिया 10-15 मिनट। तो क्योंकि यहाँ पे आपको फुल डे स्पेंड करना होता है, जब भी आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ मॉर्निंग में आना होता है और लेट इवनिंग तक आप यहाँ पे फुल देख सकते हो अच्छे से, बहुत मज़ा आता है। अब देखते हैं और क्या है यहाँ पे, लेट्स गो। सो गाइस, अभी मैं दूसरे इस पे गया था तो वो गेम थी, मेरे को लगा वो भी कुछ डरावनी राइड है, बट वहाँ पे भी वैसा ही माहौल था, बट वो गेम थी। तो उसमें 3D गॉगल्स लगा के चेयर्स पे बिठा के राउंड करना होता है, बट वो मतलब नॉर्मली आराम से जाता है, और फिर बीच बीच में स्टॉप्स आते हैं, वहाँ पे आपको 3D इसमें शूट करना होता है, शूटिंग गेम थी बेसिकली। सो काफ़ी अच्छा था, मैं 5th रैंक पे आया, बट बहुत मज़ा आया। 5th रैंक मतलब लगभग 100 लोग हूँ मैं, तो बहुत ही सही था। 5th रैंक उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, तो बहुत बहुत अच्छा था, मज़ा आया, डिफरेंट एक्सपीरियंस था काफ़ी। तो अभी देखो यार, जैसे ही सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा मौसम लग रहा है यार, यहाँ सनसेट होने लगा इस टाइम पे, अमेजिंग यार, अमेजिंग वेदर। सो गाइज, अब हम यहाँ पे आए हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में एक, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे केक्स कैसे मिलते हैं, जो चाय के केक्स होते हैं ना, चाय के साथ खाने वाले। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट केक्स आते हैं, ये देखो, और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी होते हैं। ये प्लेन केक है, ये एक और ट्राइंगल इस शेप में है, ये स्ट्रॉबेरी केक है, और हद से ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, ये चॉकलेट वाला है। तो मैं स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट ले रहा हूँ, और ये मैंगो पुडिंग्स है, ये मैंगो पुडिंग्स ले रहा हूँ मैं, इसमें दो फ्लेवर है, पाइनएप्पल और मैंगो, तो मैंगो पुडिंग्स लेंगे, देखते हैं। ऐसे तो लग रहा है बहुत टेस्टी होगा, बट यहाँ के मैंने वैसे भी जो भी चीज़ें खाई ना, स्वीट्स, चॉकलेट्स या केक्स या मिल्क, ये देखो मिल्क यहाँ पे, जो मैं बात कर रहा था मिल्क की, ये वाले मिल्क यहाँ पे मिलते हैं। तो इसमें स्वीटेंड मिल्क भी आता है, नॉर्मल मिल्क भी आता है, तो ये मुझे फाइनली यहाँ पे मिला कि मिल्क का, बट नॉर्मली यहाँ पे बहुत कम मिल्क यूज़ होता है, सिर्फ कॉफ़ी में, टी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, ये टी मिल्क वाली टी नहीं पीते हैं यहाँ, कोई भी आपको कहीं पे भी मिल्क वाली टी नहीं मिलेगी, सिर्फ कॉफ़ी मिलेगी। तो कैपेचिनो, लाटे, उन सब में ये वाला मिल्क ये यूज़ करते हैं, और इसमें एक और मिल्क आता है वैरायटी, स्वीटेंड मिल्क, वो आप ऐसे ही पी सकते हो, ठीक है, जैसे अमूल का होता है ना, उस तरीके का है ये, बट बहुत कम कंजप्शन है यहाँ पे मिल्क का। सो ये मिल्क लूँगा मैं, और चाय के लिए, और केक और पुडिंग, और भी देखते हैं और क्या है यहाँ पे अच्छा, तो वो भी लेंगे फिर। सो गाइस, लेट इवनिंग शुरू, और यहाँ पे सब कुछ लाइट अप हो गया है, म्यूज़िक चल रहा है अब, और सारी लाइट्स जला दी गई है, और जो वो व्हील है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, जो भी बोलते हैं, जायंट व्हील जो है, तो वो लाइट अप हो गया है। Thank you.
công viên chủ đề Wonder Phú Quốc sẽ thông báo hiện tại bé Simon đang ở đâu. Vui lòng di chuyển đến cờ đó là trung tâm có chú hùng và ba người đang chờ. Xin hãy hành động nhé. Công viên chủ đề Wonder Phú Quốc sẽ thông báo hiện tại bé Simon đang ở đâu. Vui lòng di chuyển đến cờ đó là trung tâm có chú hùng và ba người đang chờ. Xin chân thành cảm ơn quý khách. पूरा विन वंडर्स लिट है इस टाइम पे. अमेजिंग व्यू यार. क्रेजी जगह है. सुपर्ब जगह है यार ये. सो गाइस मैंने लिया है अब चूरोस एंड हॉट चॉकलेट. तो मैं अब ये इन्जॉय करता हूँ. देखते हैं कैसा टेस्ट है. मैंने इंडिया में भी चूरोस खाया था बट अब देखते हैं वियतनाम का चूरोस और हॉट चॉकलेट कैसा होता है. बहुत बढ़िया है. काफ़ी क्रंची है और स्वीट है. यम्मी. हे गाइस तो अब हम निकल रहे हैं विन वंडर्स से. अब क्लोजिंग टाइम होने वाला है. अभी मैक्स अब आधा घंटा होगा तो फिर उसके बाद क्लोजिंग टाइम हो जाएगा. तो इसलिए अब हम निकल रहे हैं क्योंकि रास्ते में भी थोड़ा टाइम लगेगा. अमेजिंग टाइम स्पेंड किया हमने यहाँ पे. बहुत ही सुपर्ब जगह है ये. बहुत मज़ा आया. कुछ शॉपिंग भी की हमने यहाँ पे. यहाँ बहुत अच्छी शॉप्स थी और बहुत इन्जॉय किया. राइड्स भी इन्जॉय की. बहुत 3D गेम भी एंजॉय की. अमेजिंग अमेजिंग जगह यार. आप देखो कितना लाइट अप है इस टाइम पे. अमेजिंग वाइब है यहाँ पे. तो अब ऑलमोस्ट सारे निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. म्यूज़िक शो चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया. तो अब चलते हैं सीधा होटल. बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ मैं. अब होटल चलते सीधा. थोड़ा आराम करेंगे. हे गाइस तो वापस से होटल आ गए हम. और आज का दिन बहुत ही बढ़िया था. बहुत मज़ा आया. आई होप आप लोगों को भी वियतनाम की सीरीज़ पसंद आ रही होगी. तो यार आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड क्योंकि अब मैं बस आराम करूँगा. ठीक है तो मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय. खुदा हाफिज़.